लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से युवाओं के पसंदीदा नेता सचिन पायलट सियासी पिच पर ताबड़तोड़ बेटिंग कर रहे। देश भर में सचिन पायलट अपनी जनसभाओं का शतक लगा चुके हैं, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पायलट की डिमांड को देखते हुए लग रहा है कि पायलट अब सिर्फ युवाओं के नहीं बल्कि हर किसी के पसंदीदा हो गए। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में पायलट अब तक 100 जनसभाएं कर चुके हैं। आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में उनके जनसभाओं का कार्यक्रम तय है। इस बार देश भर में सचिन पायलट की भारी डिमांड है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा सचिन पायलट एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी मांग कांग्रेस के उम्मीदवार कर रहे हैं। यही वजह है कि पायलट ने अब तक 14 राज्यों में 53 लोकसभा सीटों पर 100 जनसभाएं की हैं। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा शामिल है। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें राहुल गांधी के दोनों निर्वाचन क्षेत्र वायनाड और रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया था। इसके अलावा उड़ीसा में श्रीकांत जैन और हिसार में कुमारी शैलेजा, मुंबई में वर्षा गायकवाड़, गुरुग्राम में राज बाबर के क्षेत्र में भी पायलट को बुलाया गया था। कांग्रेस के पास 3 वर्तमान मुख्यमंत्री और आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन सेंट्रल वॉर रूम में लोकसभा प्रत्याशियों की मांग केवल और केवल गांधी परिवार और सचिन पायलट की है। पायलट ने इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रखकर मोदी सरकार को बेरोजगारी, किसानों की हालत, महंगाई जैसे मजमून पर भी घेरा है। लोकसभा चुनाव के दौरान पायलट ने दावा भी किया है कि इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़।